और जो ही आप मध्य में आती है उसके बाद नीचे आप खुद करोगे, परंतु नहीं करना आपको, जहां तक ये आती है इसको आने दो। ये आपका पोस्चर व्यवस्थित होता है, स्थिर होता है, क्योंकि गर्दन का नीचे झुक जाना, स्पाइनल कॉर्ड का नीचे झुकना, आंखों का नीचे देखना आदमी विचारों में पहले लगता है, परंतु इस स्थिति में विचार स्वतः ही स्थिर हो जाते हैं, मन स्थिर होने लगता है। शरीर को स्थिर और व्यवस्थित किए हुए डिटॉक्स ऑफ द बॉडी एंड पॉल्यूटेड माइंड, बाहरी विषयों से मन हटाते हुए गहरे लंबे श्वास का अभ्यास, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना और धीरे धीरे ही ध्यान पेट पर केंद्रित करते हुए नाभि मूल रीढ़ के साथ लगाना और धीरे से मूल बंद लगा देना, थोड़ा ठहरना कंफर्टेबली, धीरे धीरे पेट हिला करते हुए सांस को कंठ तक भरने दो, हल्का सा मूल बंद, बहुत धीरे धीरे ही सांस को बाहर निकाल देना, पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूल बंद, पेट ढीला, शने शने सांस को कंठ तक भरने दो, हल्का सा मूल बंद, अभ्यास जारी। तीन भाग प्रभाव पे आते हुए पेट, मध्य भाग और लंग्स, सांस लेते हो सबसे पहले कहां पर प्रभाव पड़ता है, सांस छोड़ते हो कहां से खाली होता है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्रीदिंग सिस्टम। क्रिया बहुत इफेक्टिव है, महत्वपूर्ण है, कितना आप धीरे कर सकते हो, कितना ठहर सकते हो, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाला, निरंतर अभ्यास।
मध्य भाग डायफ्राम, कैसे एक पिस्टन की भांति ये ब्रीदिंग सिस्टम में सहायक है। एब्डोमिनल मसल्स डायफ्राम को पुश करते हुए डायफ्राम लंग्स को पुश करता हुआ लंग्स ऊपर नीचे दाएं बाएं फैलाव में आते हुए, क्योंकि श्वास के साथ मन का गहरा संबंध है, शरीर का भी और मन का भी। Detox of the body and polluted mind. अधिक मात्रा में आप टॉक्सिन्स को सांस के माध्यम से इन्हें होल्ड में बाहर छोड़ते हो, निकालते हो। ये पॉल्यूटेड माइंड, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, अननेसेसरी थॉट, सुबह से ही जीवन रहते चलने लगते हैं और इसमें आपका मन भी स्थिर होता हुआ। और ये विचार आपको ईश्वरीय शक्ति से अलग करते हैं, विचारों से ही तो हो। क्या आप इस स्थिति में पूर्ण अनुभव नहीं कर रहे? शांत, आंखें बंद रखा, शांत बैठा। मन स्थिर होने लगता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। जब आप सांस का ध्यान केंद्रित करते हो, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हो, सांस एक साधारण व्यक्ति भी लेता है, परंतु वो नपातुला सा लेता है, छोटा छोटा तंग तंग सा लेता है, इसलिए वो स्वस्थ नहीं रहता। जब आप इस स्थिति में अभ्यास अभी जो करने जा रहे हो, एकदम आप देखोगे कि सांस लेने और छोड़ने में कैसे बदलाव आ गया, केवल अटेंटिव होने मात्र से। धीरे से ध्यान, मन कहीं भी हो, श्वास पर श्वास की क्रिया पर लगा लो। जो ही आपने मन को केंद्रित किया श्वास पर श्वास की क्रिया के ऊपर, आप महसूस कर रहे हो हर अंदर जाने वाला सांस नासिका से प्रवेश होते हुए बॉटम टू टॉप, नेवल टू थ्रोट, सांस लेते नाभि से कंठ, सांस छोड़ते थ्रोट टू नेवल, कंठ से नाभि। इसमें भी तीन भाग प्रभाव में आते हुए पेट, डायफ्राम, फेफड़े। अनुभव, ये कैसा इफेक्ट है आपके ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर? सांस प्रवेश करता है, नाभि आगे की ओर यानी पेट का फूलना,
और डायाफ्राम का नीचे की ओर सिरकना और फेफड़ों का फैलाव में आना, यह है सांस लेने की क्रिया पूरा। निकलते सांस फेफड़ों का सिकुड़ना, डायाफ्राम अपलिफ्ट होना, अपनी स्थिति में आना और पेट पीछे की ओर सिरक जाना रीढ़ की तरफ। ये डायाफ्राम का भी आप पूरा प्रयोग करते हुए क्योंकि सांस की पूर्णता इट कंट्रोल्स योर इमोशंस। इनहेलेशन नेवल टू थ्रोट, एक्सहेलेशन थ्रोट टू नेवल। क्योंकि श्वास ही आपके शरीर के भीतर की क्रियाओं को रेगुलेट करता है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन है, सांस की स्थिरता मन की स्थिरता है। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास, अनुभव करते हुए अभ्यास। क्योंकि साधारण व्यक्ति को सांस से कुछ लेना देना नहीं होता, परंतु आप योग अभ्यास करते हो क्योंकि सांसों में पूर्ण स्वास्थ्य छिपा हुआ है। ऑक्सीजन इनटेक अधिक रहती है इसमें, कंजम्पशन ऑफ ब्रेथ इज लेस पर मिनट के हिसाब से। तो आप एक ऐसा अभ्यास कर रहे हो धीरता। कहीं दर्द भी है, अनकंफर्टेबल भी हो, असुविधा है, थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए सांस की स्पर्शता जो आप जागरूक अवस्था में ले रहे हो उस अंग को स्पर्श करता हुआ। इट्स ए हीलिंग प्रोसेस, पावरफुल प्रोसेस, केवल शरीर ही नहीं मन भी। ये सांसों के साथ जुड़ने पर कैसा जीवन है आप महसूस कर सकते हैं। शरीर स्थिर रखना, और आप वर्तमान में हो जब तक सांस के साथ जुड़े हुए हो। जब सांस से नहीं जुड़ते आप पास्ट और फ्यूचर में रहते हो, प्रेजेंट में कभी नहीं रहते। सांस आपका प्रेजेंट है। दिनचर्या में भी आप इसको सेवरल टाइम इन ए डे चेक कर सकते हो क्योंकि
ये अभ्यास इट कंट्रोल योर इमोशन एंगर जेलसी कंपैरिजन वॉन्डरिंग नेचर शिफ्टिंग नेचर धीरे से शांत आंखें बंद रखना ध्यान बंद हथेलियां घुटनों के ऊपर बहुत प्रभावशाली क्रिया है गर्दन आपके सामने रहेगी सांस भरे श्वास को पूरा बाहर निकाल दो पेट खींचे उठाए और रीढ़ के साथ गर्दन सामने ध्यान पेट और पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स रुके हुए ये पाचन अंग सशक्त होते हैं मन में स्थिरता आती है धीरे से पेट ढीला कर देना हर बार अधिक से अधिक खींचना ताकि पेट अपनी स्थिति में आए सांस भरे श्वास को पूरा बाहर निकाल दो पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मुंबन कैसे पेट और लोअर एब्डोमेन पर प्रभाव है केवल पेट को खींचने मात्र मन स्थिति ढीला कर दे शरीर हल्का होने लगता है यू फील एनर्जेटिक कि आप पेट को खींचते हैं सांस भरे निकाल दें पेट खींचे उठाएं और रीढ़ के साथ गर्दन सामने सीने पर भी इसका प्रभाव है ढीला करते सांस भरे पूर्णता में बाहर निकाल दो पहले से अभ्यास को बेहतर बनाते हुए पेट खींचना उठाना रीढ़ के साथ कितना खींच रहे हो कितना उठा रहे हो कैसा आकार बन गया वहां पर हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर है त्रिबंध इसको महाबंध भी बोला जाता है बंधों से आप जब बंध लगाते हो एनर्जी को रोकते हो वाइटल फोर्स को यह अभ्यास आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज भी करता है क्योंकि वहां दबाव और खिंचाव बनता है इस स्थिति में और विशेष बात है आप एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होते हो आपको स्पिरिचुअल भी लाभ मिलते हैं क्योंकि सांस जब स्थिर हो जाता है तो मन स्थिर रहता है उतना समय हथेलियां आपकी घुटनों के ऊपर है सांस भरे श्वास को पूरा बाहर निकाल दो कंधों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए त्रिबंध तीनों बंद लगे हुए रुको प्रभाव को महसूस करना
बंद खोल देना, धीरे धीरे कंफर्टेबली ये रुकने के समय को बढ़ने देना, सांस भरे निकाल दें और धीरे से तीनों बंद लगा दो। पेट खींचा हुआ, उठा हुआ, ठोड़ी कंठकों के साथ निष्कासन अंग खींचे हुए, ये है त्रिबंध। बंद खोल देना पेट ढीला करते हुए, सांस भरे, श्वास को पूर्णता में बाहर निकाल देना, तीनों बंद। माथे पर तनाव न हो, इसी स्थिति में पिक्चराइज करते हुए स्माइल, इंट्रोवर्टनेस की स्थिति है ये, विचार शांत है इसमें क्योंकि सांस रुक गया। धीरे से बंद खो गया। अभी थोड़ा एक बार इसको और खींचने का प्रयास करते हैं। अभी आप सांस नासिका से लोगे और मुंह को पूरा खोलते हुए सांस को बाहर निकालोगे, पेट को खींचोगे अधिक से अधिक और तीनों बंद। सांस भरे, मुंह खोलते हुए सांस को बाहर निकाल दो और तीनों बंद। आप महसूस कर सकते हो यू रिलीज द कार्बन फ्रॉम द बॉडी। जब मुंह को आपने खोलकर सांस को बाहर निकाला, अधिक मात्रा में आपने वायु सांस को बाहर निकाला, इसलिए खिंचाव ये अधिक बनता है। बंद खोल देना शाम। अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। अभ्यंतर का अर्थ है आंतरिक, अक्षेपी का अर्थ है टुकड़ों में सांस को लेना और छोड़ना। ये क्यों लेना? अगर जल्दबाजी में सांस भरा जाता है, निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके श्वसन तंत्र पुष्ट नहीं है, आपको अभ्यास की कमी है उसमें। अभी दो बार इस आवाज के साथ करना, उसके बाद दो आवृत्तियां अपने समय में करना। ये भी मन को नियंत्रण करता है, हर अभ्यास सांस का। हथेलियां घुटनों के ऊपर, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो, थोड़ा सांस भरे, लोअर एब्डोमेन, थोड़ा और भरे, एब्डोमेन, थोड़ा और भरे, डायफ्राम। सांस को पूरा भरने दें, ये लंग्स, थोड़ा ही निकालें, लंग्स से खाली होता हुआ, थोड़ा और निकालें, डायफ्राम प्रभाव में आता हुआ, थोड़ा और निकालें, एब्डोमेन, सांस पूरा बाहर निकाल देना, पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूलबंध, लोअर एब्डोमेन, थोड़ा सांस भरे, लोअर एब्डोमेन, वहां पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा और भरे, एब्डोमेन, थोड़ा और भरे, डायफ्राम, सांस पूरा भरने दो, लंग्स, ये कंठ तक सांस भरा जाता है, थोड़ा ही निकाला, लंग्स, थोड़ा और निकालें, डायफ्राम, थोड़ा और निकालें, पेट, सांस पूरा बाहर निकाल देना, नाभि मूल भी मूलबंध, लोअर एब्डोमेन,
थोड़ा भरे अभ्यास जारी। जहां ये प्रभाव पड़ता है, टुकड़ों में सांस लेते और छोड़ते छोड़ते समय वो विकार रहित हो जाता है। जब आप जागरूक अवस्था में अभ्यास करते हो, जब सांस टुकड़ों में लेते अभ्यास करते हो, वो स्वस्थ होता हुआ, ऑक्सीजनेटेड होता हुआ। अभी आप काफी देर से इसी स्थिति में बैठे हो, धीरे से दायां पांव बाई जंघा के ऊपर रख देना, टिका देना। इसे हाफ लोटस पोज और पद्मासन है। सिट स्ट्रेट ताकि आप दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करें। धीरे धीरे इस घुटने को नीचे की ओर दबाना ताकि ये जमीन पर लगे। वापिस इस टांग को नीचे करते हुए अभी धीरे से बायां पांव दाई जंघा के ऊपर इतना ऊपर उठा देना कि पांव की एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित हो जाए। अगर कष्ट है तो इसका हमें निवारण करना होगा। क्या आप दूसरा पांव भी नीचे वाला भी ऊपर लेके आ सकते हो तो ले आना। इट्स ए लोटस पोज पद्मासन। रीढ़ को सीधा करना, धीरे धीरे घुटनों को जमीन पर स्पर्श करें। आसन खोल देना, टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला लें। पांव गोलाकार क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज पंजों को आगे की तरफ टांग के ताकि टखनों में लचक पैदा हो। ध्यान आपका वहीं पर केंद्रित करना। पैर मिला लेना, सांस भरते हुए पंजे आगे की ओर तान देना और घुटनों को नीचे की ओर दबाना। ध्यान वहीं पर केंद्रित, नी के ऊपर, काफ मसल्स के ऊपर, एड़ियों के ऊपर, पंजों के ऊपर, टखनों के ऊपर। सांस छोड़ते हुए पंजों को अपनी ओर खींचना और एड़ियों को आगे की ओर पुश करना। फिर ध्यान केंद्रित जंघाओं के ऊपर, दी हैवीएस्ट मसल, नी, काफ मसल, एड़ियां आगे की ओर, पंजे अपनी ओर। सांस भरते हुए आगे,
सांस छोड़ते हुए पीछे, पंजे अपनी ओर, एड़ियां आगे की ओर, अंदर की तस्वीर खींचते हुए आप, क्योंकि अस्थि हड्डी ज्वाइंट सब भीतर है, ऊपर तो केवल खाल है। धीरे से ढीला करते रहा, पांव खोल देना, पंजे तान देना, सांस भरते हुए नाक दाई और पृथ्वी पर, ताकि रीढ़ के नीचे वाले भाग में लचक पैदा हो। पैर खोल देना ऊपर, रीढ़ सीधी, सांस भरते हुए बाईं ओर, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, ऊपर। धीरे से पीठ के बल लेटना, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर, शरीर को ढीला छोड़ देना। अनुभव करना, अवश्य अनुभव करें, प्रैक्टिस टू रियलाइजेशन। जो ही आपने शरीर को ढीला छोड़ा, क्या हर क्रिया नॉर्मल होने नहीं लगी? बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है शरीर को ढीला छोड़ना, ताकि एक एक अंग डिसिप्लिन्ड हो जाए, ट्रेंड हो जाए, आपका कहना मानने लगे। इसलिए शरीर को ढीला छोड़ना, बाहर और भीतर। बहुत कम समय लिटाया जाएगा आपको, परंतु अधिक से अधिक शरीर को ढीला छोड़ दो। ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग सिस्टम सब सामान्य हो, हार्ट बीट सामान्य होने लगती है, क्योंकि उत्तेजित मन में, जब मन में उत्तेजना होती है तो वहां खूब प्रभाव पड़ता है। फ्लक्चुएशन इज देयर। साधारणतः ना तो आप ऐसा सांस लेते हो, ना ऐसा सोच रहती है। योग आपका माइंडसेट चेंज कर देता है। दुख में भी सुख की खोज एक बहुत बड़ा नुक्ता है। पांव मिला लेना, घुटनों को मोड़ना, हथेली का रुख नीचे की ओर, पैर थोड़ा पृथ्वी से उठा देना, सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा करें पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर, बहुत अधिक ऊपर नहीं, पृथ्वी के समानांतर। थोड़ा ध्यान केंद्रित करना एब्डोमिनल मसल्स पर, कैसा प्रभाव है। सांस छोड़ते हुए घुटनों को पीछे सीने की तरफ, घुटने मिला के रखना, आगे, सांस भरते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे नीचे, शरीर ढीला छोड़ देना, हथेली का रुख ऊपर की ओर। पांव मिलाना, पंजे तान देना, हथेली का रुख नीचे की ओर, राइट लेग घुटने से मोड़ते हुए अधिक से अधिक अपनी तरफ लेके आए, रुके इसी प्रभाव को महसूस करें। बाजू नीचे, बाजू नीचे,
अधिक से अधिक घुटने को अपनी तरफ लेके आना। क्या प्रभाव है भीतर? टांग सीधी कर लेना, पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, बाई टांग घुटने से मुड़े और अपनी ओर कीजिए। ये तो आप कंफर्टेबली कर सकते हो। रुके, टांग सीधी, पांव मिलाना, पंजे तले हुए, राइट लेग मोड़े, सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे। अब ये बाजू नीचे आपके उसी स्थिति में रुके, बाजू नीचे पकड़ना नहीं आपको, इतना आप घुटने को विदाउट सपोर्ट अपनी तरफ लेकर आ सकते हो। टांग सीधी नीचे, पैर मिलाना, पंजे तले हुए, बाई टांग घुटने से मोड़े और सांस भरते हुए धीरे धीरे टांग अपनी ओर। मन की आंखों से ये सब कुछ आपको अनुभव होता है। बंद आंख अनुभव करती है, खुली आंख देखती है। बाहरी टांग सीधी, पांव मिला के रखना, पंजे टांग के रखना, राइट लेग घुटने से मोड़े और धीरे धीरे अभ्यास को बेहतरीन बनाते हुए अपनी तरफ लाना। टांग सीधी, पैर तले हुए, पंजे तले हुए, बाई टांग घुटने से मोड़े और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचा। थोड़ा पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स पर ध्यान केंद्रित करना, इसलिए आपको यह अभ्यास करवाया जा रहा है। वायु विकार दूर होता है। टांग सीधी, पैर मिला के रखना, पंजे तले हुए, दोनों घुटों को मोड़ना। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए घुटों को अपनी तरफ विदाउट सपोर्ट टांग सीधी लीजिए। पैर मिलाना, पंजे तले हुए, एक बार फिर घुटों को मोड़ना, धीरे धीरे घुटों को अपनी तरफ। पेट के ऊपर कैसा प्रभाव है आप हाथ लगाकर भी देख सकते हो। पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स के ऊपर घुटों को अपनी ओर, टांगे सीधी, शरीर ढीला छोड़ो। पांव मिले हुए, पंजे तले हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर, धीरे से कोहनियों के बल उठे, कोहनियों को पृथ्वी के ऊपर टिका देना, पैर मिला के रखना, पंजे तले हुए, सांस भरते हुए दोनों टांगे बाएं से ऊपर, दाएं से नीचे, ट्राई टू मेक दी सर्कल लार्ज एंड राउंड। टांगे सीधी, पंजे तले हुए, गर्दन उठा के रखो, को
उंगलियों को अच्छी तरह स्टिक करके रखना चाहिए जमीन पर, रिवर्स, पूरा गोलाकार बड़े से बड़ा बनाते हुए, मेक इट मोर एंजॉयबल, धीरे से वापस शरीर ढीला छोड़ देना, पांव मिलाना, पंजे तान देना, धीरे से एक बार फिर कोहनियों के बल उठे। अब जो पहले मुश्किल थी अब आपको नहीं आएगी। पहली बात, कोहनियों को अच्छी तरह जमीन पर टिका दो, सांस भरते हुए दोनों टांगे बाएं से ऊपर दाएं से नीचे, मेक की सर्कल लार्ज एंड राउंड, अभ्यास से अनुभव की ओर, पूरा गोलाकार, रिवर्स, पूरा गोलाकार को मत, गोलाकार, वापिस शरीर का छोड़ दो, हर सांस गहरा है, रियलाइज द डेप्थ ऑफ द ब्रेथ, क्योंकि आप योग करते हो, जब सांस लेने की क्रिया आपको ऐसे ही रहेगी पूरा जीवन, तो आप जान सकते हो कैसी स्थिति होगी आपकी, या आप एनर्जी को भर रहे हो भीतर, क्योंकि इस एनर्जी से ही सब क्रियाओं का संचालन होता है, शारीरिक, मानसिक, पैर मिलाते हुए घुटनों को मोड़ लेना, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, थोड़ा पैर पीछे झुका देना, बाजू सीधे करना, तुली साहब बाजू पीछे बहुत सीधे, पांव उठे हुए हैं, सांस भरते हुए घुटने दाई तरफ, पैर उठा के रखना, बाजू पृथ्वी की ओर दबा के रखना, ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वेरी रिलैक्सिंग, मध्यम, सांस भरते हुए बाई ओर, मध्य दाएं बाएं, इट्स ए हॉर्स रिलैक्सिंग पोज, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, टांगे सीधी, बाजू नीचे, शरीर ढीला छोड़ो, पांव खोल देना, पंजे तले हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, इस अभ्यास से हृदय पुष्ट होता है, सांस भरते हुए पांव आगे से एक फुट तक, पीछे से भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर उठा दें, बाजू कानों के साथ रहें, और धीरे धीरे शरीर को स्थिर करना, पांव एक फुट तक खुले हुए, एक फुट तक, नॉट मोर देन दैट, एक फुट, बाजू कानों के साथ पीछे, ऊपर नहीं पीछे, कानों के साथ, धीरे धीरे शरीर को स्थिर करो,
धीरे से वापस। पेट के बल लेट जाना, भुजंग आसन की स्थिति ले लेना, पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, चिन ऑन द ग्राउंड, एक सहज अवस्था अपने आप आती है, समभाव की अवस्था। अभी आप इसी सहज अवस्था में ही अभ्यास करेंगे ताकि आप को जीवन में आनंद मिले। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो और उठाए हुए कुहनियां शरीर के साथ लगी रहे, धीरे धीरे शरीर को स्थिर कर दो। शरीर को स्थिर किए हुए स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ दो। अनुभव को गहरा होने दो। धीरे धीरे वापस धीरे से हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनिया अंदर, नाभि के दाएं बाएं, शल्वासन बहुत धीरे करेंगे अभ्यास इस आवाज के साथ। राइट लेग ध्यान केंद्रित करना, राइट लेग 10 की गिनती गिनते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now is the time to stable. Be stable. Let the leg be stable. Stability of the leg, stability of the mind. इसलिए आपको रोका जा रहा है। धीरे धीरे 1 रोकते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर मिला के रखना, पंजे तले हुए। अभी जिस तरीके से आप दाई टांग को किया इस आवाज के साथ, ओम की ध्वनि के साथ, बाई टांग धीरे धीरे ऊपर जाएगी और आते समय भी ओम की ध्वनि के साथ मैं बोलूंगा, आप केवल सुनते हुए टांग को उठाते जा रहा। स्टेबल, बी स्टेबल, स्थिर रहे। सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर उठा लें। वापस अभी मुठियां बंद कर देना। इसी स्थिति में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, अधिक से अधिक आप ऊपर उठा सकते हो। जंघाओं को पीछे से उठाना है ताकि आपके पेट और स्पाइनल कॉर्ड पर प्रभाव पड़े। सांस भरते हुए दोनों टांगे अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, सीधी और मिली हुई, स्टेबल। चेक करना क्या मैं जंघाओं को उठा पा रहा हूं, मुझे उठानी है, मुझे उठानी है। धीरे धीरे वापस शिथिलासन दाई और में ले जाना। प्रभात वेला
खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ शरीर प्रकृति की गोद में कितना सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जितना आप प्रकृति के नजदीक रहते हो उतना आप स्वस्थ रहते हो। नेचर इज अ ग्रेट हीलर। पैर मिलाते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लेना। माथा पृथ्वी पर, जो ही आपने टखनों को पकड़ा एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है भीतर। आप कभी भी महसूस करना, जब आपके टखने नहीं पकड़े जाएंगे या अभ्यास नहीं होता, आदमी डीमोरलाइज होता है। सांस बाहर निकालते हुए घुटनों को पृथ्वी से उठा दो, क्योंकि साहस और कहीं है ही नहीं, केवल अभ्यास पे है। घुटने उठे हुए हैं और धीरे से सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन भी उठा दो। उठाते ही आंखें बंद किए हुए मन की आंखों से निहारते हुए घुटने और कंधे बराबर करें, घुटने और पांव का फासला कम करें। ट्राई टू मेक योर पोस्चर ब्यूटीफुल 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 और सिर उजाओ। बातें शिथिलासन बाई और में लेते हैं। धीरे से पांव मिला लेना, उठ बैठे चेहरा सामने की ओर। पामिंग करते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। एक सूचना है, हमारे बीच कृष्ण चंद जी चौहान इंटरनेशनल एथलीट ही 78, वो कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने रखेंगे, आप 5 मिनट के लिए उनको सुन लेना। आइए भैया, वर्मा जी, सभी भाई और बहनों, मैं यूपी सहारनपुर से आया हूँ। अभी कल चले जाना है, तो कल वर्मा जी से बात हुई थी, श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल जी ने बात कराई, तो मैं 5 मिनट आपसे लूँगा। मैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। 50 साल से मैं ये फर्स्ट वॉक 23 साल में मतलब भाग लिया, तो एशिया में 3 गोल्ड हैं, तीनों में नया रिकॉर्ड है। तो मैं आपको आपके अनुभव शेयर करूँगा कि मुझे वॉक करने से क्या लाभ हुआ। तो देखिए, पहला सुख निरोगी काया, तो पहला और अंतिम सुख जो है वो निरोगी काया है। तो अब मैं देखा वर्मा जी करा रहे हैं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा जनाई, बहुत अच्छी एक समाज सेवा है। तो पहला सुख निरोगी काया, लेकिन ये सुख कहाँ है? आई देखिए PGI में कैसी कैसी बीमारियां हैं, कितने बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में जब मैं देखता हूँ तो हमारा भारतवासियों का स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। मैं वर्ल्ड में गया हूँ, देखा वो बड़ा मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में हरियाणा जो है, मैं मास्टर एथलेटिक में जाता हूँ तो वो सबसे आगे हैं पूरा हरियाणा में जो है ना, ये वर्ल्ड इसके इंडिया के अंदर। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो नंबर एक की माया, तीजा सुख पुराना कहते हैं कि पत्नी हो पतिवर्ता। अब ये ताली मैंने बजाई, दोनों हाथ से बजती है, तो पति पत्नी निभाए वफादारी। और चौथा सुख कहते हैं बेटा हो आज्ञाकारी, बेटे से बेटियां आजकल ज्यादा योग्य हैं, संतान हो आज्ञाकारी। तो जिसके पास ये 4 सुख हैं वो बड़ा भाग्यशाली है। अब सवाल ये है कि आदमी बीमार क्यों होता है, तो उसके 4 कारण हैं। पहला है नशा का अनुराग,
अब जिसको गधा तंबाकू के पौधे को सूंघना भी पसंद नहीं करता उसको आदमी सेवन करता है, और जितनी नशीली चीजें हैं हुक्का बीड़ी सिगरेट तंबाकू चरस चंडो कोकीन अफीम भांग सुल्फा गांजा शराब आदि आदि उनको सब आदमी सेवन करता है तो गधा सेवन नहीं करता, अपना स्वास्थ्य खराब करता है। दूसरा है जीभ का स्वाद अनुराग, वो ज्यादा लाल मिर्चे खाएगा बवासीर हो जाएगी, नमक ज्यादा खाएगा बीपी हाई हो जाएगा, ज्यादा मिठाइयाँ खाएगा जो है ना जी शुगर हो जाएगा। तो ये स्वाद का जो अनुराग है, अभी पशु पक्षी हैं देखिए जो जंगल के हैं, हिरण है मोर है खरगोश है बंदर है नील गाय है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं क्योंकि उनका नेचुरल लाइफ है। तो हम उनको सब्जियों को भी तल के भून के खाते हैं तो उससे बीमार हो जाते। तीसरा है सेक्स काम अनुराग, अब पशु भी संतान पैदा करते हैं लेकिन आदमी देखिए बड़े बड़े ज्ञानी जो उपदेश देने वाले वो जेल के अंदर बंद है काम अनुराग के कारण, तो उसका हमको बोध नहीं है। और चौथा है आलस अनुराग, कि करूं बहुत थोड़ा सा काम मुझको मिले अधिक सा काम, ये आलस की जो प्रवृत्ति है ये बहुत खराब है। तो आप लोग जागरूक हैं, वर्मा जी करा रहे हैं बहुत अच्छी समाज सेवा है कि सुबह जल्दी उठ के योगासन करना एक्सरसाइज करना ये बहुत अच्छा है योगासन, इससे फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है। अब मैं वॉक ही करता रहा तो लेकिन बॉडी टाइट है, आंधियां मगरूर पेड़ों को पटक जाएंगी और बचेंगी वो साथ जो लचक जाएंगी, तो हमारी बॉडी के अंदर लचक आनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये योगासन से जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये चार बातें हैं, चार बातों से हम बच जाएं, नशे अनुराग से स्वाद अनुराग से काम अनुराग से और आलस अनुराग से। और चार मैंने सुख बताए कि पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख घर में हो नंबर एक की माया, और तीसरा सुख पति पत्नी निभाए वफादारी, और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा हो जाए तो हमने समाज सेवा करनी है, जैसे वर्मा जी कर रहे हैं हजारों आदमी जगह जगह करते हैं, ये समाज सेवा बहुत जरूरी है। तो डायनीज एक फिलोसफर हुए यूनान के, तो दिन में चिराग लेके निकले, सूरज निकला हुआ था, तो बच्चे जवान कह रहे हैं बाबा जी आपने चिराग क्यों जलाया, कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ, इंसान ये सूटी वोटी पहन पतलून एसी में रहते हैं इंसान नहीं है, तो बाबा जी आगे आगे हो बच्चे पीछे पीछे, तो बड़ी देर हो गई कि बाबा जी डेफिनेशन बताओ इंसान की क्या है। तो अब मैं वर्ल्ड के 6 कंट्री में गया हूँ तो वहाँ टोटल मांस ही मांस खाते हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत देश जो है ना कृषि प्रधान देश है, यहाँ वेजिटेबल शाकाहारी लोग हैं। तो बाबा जी खड़े हो जाते हैं एक मांस की दुकान पर जहाँ गाय के लोथड़े ऐसे लटके हुए थे मांस के, तो बाबा जी कहते हैं कि पिलाए दूध अपना जो उसे तुम पशु समझते हो और पिए जो खून उसका भी उसे इंसान कहते हो, धोए जो बोझ औरों का गधा उसको समझते हो, बने जो बोझ औरों पर उसे इंसान कहते हो, करे रखवाली घर की जो उसे तुम कुत्ता कहते हो, भरोसे कहने जो काबिल उसे इंसान कहते हो, देवे जो शहद सा मीठा उसे मक्खी समझते हो, रहे मद होश मक्खी चूस उसे धनवान कहते हो, पिलाती दूध बच्चों को उसे तुम बकरी कहते हो, और करे जो खून बकरों का उसे ईमान कहते हो, पालती दूध से अपने उसे गौ माता कहते हैं, जो देती बैल और मरकर खाल उसे तुम मार खाते हो, अरे धर्म का ढोंग रचकर भी अगर दिल में दया ना हो, जो हरता प्राण औरों के उसे इंसान कहते हो, जो हरता प्राण औरों के उसे इंसान कहते हो। तो बच्चे कहने बाबा जी फिर उसकी डेफिनेशन क्या है इंसान की, तो बाबा जी कहते बैठ जाओ मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो ये पंक्तियां मैंने लिखी थी बाबा रामदेव जी को स्वामी जी को, मैं 15 साल पहले भेजी थी, अक्सर वो गाया जाता है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है। तो बाबा जी के भाव क्या थे, जो आए काम औरों के उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं, कभी धनवान था कितना कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है
कभी दुख है किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। चार बातों में से दूसरी बात क्या बताई? अगर गलती रुलाती है तो वो राह भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। तीसरी बात क्या बताई? ये दुनिया एक फानी है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीते है हंस हंस कर, कोई जीते है रो रो कर। जो गिर पड़ कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। चौथी अंतिम बात क्या बताई? सिर्फ अपने लिए जी कर गुजारा जो भी करते हैं। यूं भरने को पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं। सदा जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप यहाँ पर आओ तो हमारे लिए 5-7 मिनट जरूर निकाला करो। थैंक यू वेरी मच सर।